हैं उन पार्षदों को कहाँ लेके जाएगी वो पार्टी, उन्हें कहाँ तक का फंड दे देगी? जी मैं कह रहा हूँ जी, जो आपने एक सवाल किया था कि बीजेपी से आप मुखालिफ क्यों हैं मुसलमान, बीजेपी से मुखालिफ नहीं है मुसलमान। इन लोगों ने हमारे दिलों में ठूस ठूस के ये भर दिया गया कि हमारे काबिल नहीं है ये लोग, बीजेपी वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। हम ये निगेटिव सोच विरोधी पार्टियों ने ही डाली है हम लोगों के दिलों में, लेकिन जो पढ़े लिखे और सचेत लोग हैं आज भी जो है इसको सचेत रहे। देखो बात ऐसी है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में देश में उनकी सरकार है, एक भी सरकार में मुस्लिम नुमाइंदा मंत्री नहीं है। एक मंत्री थे उनको भी हटा दिया। जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो इनको एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता है। जब ऐसी बातें देखते हैं तो मुसलमानों के दिमाग में एक बात तो आती है ना। तो मुसलमानों के दिमाग में बात तो इसलिए आती है, जब हम लोग इनसे नहीं जुड़ेंगे तो अपने आप ही वो हम लोगों से कटेंगे। उनके दिमाग में ये भर दी गई है कि हम लोगों के मुखालिफ हैं ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी किसी के मुखालिफ नहीं है, अच्छी पार्टी है, जुड़ना चाहिए, सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और अब जुड़ेंगे तो हमें टिकट भी मिलेंगे। अभी 4 पार्षदों को टिकट दिया था बीजेपी ने हमारे एमसीडी में दिया जी, 4 सांसद, और लोगों ने वोटिंग भी दी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब सोच डाल दी तो निकलना बड़ी मुश्किल है जी, बहुत जल्दी से, क्योंकि बीजेपी के से मुस्लिम लोग उतने जुड़े नहीं हैं। ये भी एक तर्क हो सकता है कि भाई जीतने की संभावना के हिसाब से ही टिकट दिए जाते हैं, ये भी एक तरीका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों की जो खींचतान हुई और जो शिफ्ट हुआ है 16-17% का, ये विधानसभा तक भी जाते दिख रहा है क्या? जी 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 बिल्कुल जाएगा, और जाएगा इसलिए कि थोड़ा सा नेगेटिव सोच आम आदमी पार्टी के लिए भर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ। क्या जैसे एक मैसेज जो वो मरकज वाला था वो गलत गया, हालांकि इसमें इनका हाथ हो या ना हो, लेकिन ये मैसेज गलत गया कि ये केजरीवाल का करा धरा। ये जो लक्ष्मी गणेश का फोटो का कहते उसका भी कुछ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक गांधी जी का फोटो नोट पे है, लक्ष्मी गणेश की जगह का भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या आप बतौर मुसलमान आप ये मानते हैं कि केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? बेशक करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की करनी भी चाहिए, नहीं तो उसको वोट कहाँ से मिलेंगे? इसको आप कहीं से बुरा मानते हैं? बुरा भी नहीं मानते। मुसलमानों के वोट कितने हैं जी यहाँ पूरे इंडिया हिंदुस्तान में? 10%, 15%, 18%। गैर मुस्लिमों के वोट तो 88-82% है ना, उन्हें तो वो भी चाहिए ना, तो इसलिए कोई बुराई नहीं कर रहे वो अगर सॉफ्ट हिंदुत्व कर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आप समझदारी रख रहे हैं, मुसलमानों के दिमाग में ये भरम जो था कि वो जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनवा लेंगे, ये भरम टूट गया कि नहीं? बिल्कुल टूट गया जी। इस बार देखो गुजरात में क्या हुआ, हिमाचल, एक बात तो है, सबसे पुरानी पार्टी होते हुए कांग्रेस, अब देखो सिर्फ टव्वल हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, 5-5 कैंडिडेट सीएम बनने के लिए खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मोदी जी एक बात को कहते हैं सारे चुपचाप बैठ जाते हैं, अब इनमें कोई ऐसा नेता ही नहीं है, और मुझे तो लगता है कि कहीं दो फाड़ ना हो जाए ये पार्टी हिमाचल में। इसमें तो लोकतंत्र भी कह सकते हैं भाई, वो लोकतांत्रिक पार्टी है, सब कह रहे हैं जिसके साथ बहुमत वो हो जाए। अब ये कि यहीं से क्लास के मॉनिटर की तरह आपने या क्लास टीचर की तरह बोल दिया, सारे बच्चे बैठ गए, ये ठीक भी है क्या? लेकिन हाईकमान की भी तो कोई ऑर्डर होते हैं ना जी, हाईकमान की भी तो माननी पड़ती है, फिर मतलब क्या हाईकमान का? अब ये आपने बात सही कही कि कोई भी संस्थान, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी संगठन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक अथॉरिटी इकबाल उसके मुखिया के हाथ में ना